भरा हुआ था, मैं सोचा यार पानी होगा बट यहाँ तो खत्म हो गया पूरा पानी। गुड मॉर्निंग, आज पता नहीं 29th of July है क्या है। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब, मतलब 2-3 दिन से तबीयत जो है ख़राब चल रही है। बस इसी के चलते थोड़ा व्लॉग लेट आ रहा है, क्योंकि मन तो करता नहीं है भाई जब तबीयत होती है ख़राब। मेरे कैमरे की बैटरी भी चेक नहीं की, जो कि डेड होने वाली है, क्योंकि एक बैटरी रह रही है बस, वो भी ब्लिंक कर रही है। हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योगेश ठाकुर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KMT। और मौसम भाई एक नंबर का हो रहा है। अभी बता रहे हैं कि 2-3 दिन की बारिश हो रहा है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है बारिश, क्योंकि मैंने जो आप लोगों को कुछ दिखाया था पिछले वाले व्लॉग में कि जो पौधे मैंने शिफ्ट करानी है दूसरी जगह पे, पौधे बोलते हैं हम उसको, पौधे बोलते हैं छोटे छोटे, वो मैंने करा दिए यहाँ पर। ये अपने दिख रहे वही वाले पौधे, वही पौधे हैं ये, वही पसर बारा वो जे पूरा यहाँ से लेकर पूरा वहाँ, ये यहाँ यहाँ वहाँ तक तो मैंने शिफ्ट करा दिया है। अरे बारिश हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, वरना हमें इसमें लगाने पड़ेंगे ट्यूबवेल के माध्यम से पानी। रात को ये बारिश स्टार्ट होती है नहीं भाई, हो भाई साहब घर वालों ने क्या हालत बना दी है, मोटो व्लॉगर से बन गए सामान्य व्लॉगर जी। फल फ्रूट पूरा ये भरा हुआ है यहाँ पे, देखिए दोस्तों मौसम बड़ा लाजवाब हो गया है। मन कर रहा है कि ऐसे मौसम में तो घूमने निकल जाऊँ, पर भाई इतने भाई लोग यहाँ देख रहे हो मेरे को, उनसे एक बात कहना चाहूँगा, अभी पहाड़ों में जाना अवॉइड कर दो कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा नहीं कुछ दिनों के लिए, जब तक बरसात का मौसम है तब तक, क्योंकि आए दिन देख रहा हूँ मैं न्यूज़ में भी लैंडस्लाइड हो रही है, भयंकर तरीके से सड़कें टूटने लग रही हैं, तो भाई हादसा का पता नहीं कब किसके साथ हो जाए, इसलिए घर पर रहें। अगर राइड करने का ज़्यादा ही मन है तो मैदानी इलाकों में जाएँ, पहाड़ों की तरफ ना जाएँ। अभी मैं तो बस यही रिकमेंड करूँगा, मैं खुद नहीं जा रहा हूँ यार पहाड़ों की तरफ, मेरा प्लान ज़्यादा दूर नहीं, बस ज़्यादा दूर हरिद्वार तक का ही है, जाने लगा तो हरिद्वार तक ही जाऊँगा, उससे आगे अपना कोई प्लान नहीं है हरिद्वार ऋषिकेश आगे, क्योंकि भाई रिस्क नहीं चाहिए अपने को, सेफ राइड करनी है। और भाई कितने दिन हो गए बोलते बोलते बाइक की सर्विस करानी है, सर्विस करानी है ये, और कराऊँगा भाई अभी टाइम हो गया, अभी बाइक चल चुकी है 24,752 किलोमीटर, मतलब मैंने इसकी सर्विस कराई थी लगभग 20,000 किलोमीटर पर, वो 4,000 किलोमीटर हो गए हैं, पता चल गई है 3,500 रुपये ऐसी सर्विस होनी चाहिए। सड़कें देखिए भाई, ऐसी सड़कें देखिए, बनी को देर हुई नहीं, एक बरसात भी नहीं झेल पाई है ठीक से, और बरसात क्या भाई ऐसे ही हल्की मारी बारिश हो रही है। बरसात तो जो पिछले से पिछले वाले लोग में देखा होगा आपने, तभी हुई है बस वो एक बढ़िया वाली बरसात, उसके बाद में तो कुछ बरसात ऐसी नहीं है खास। है मंडे, मन का मंडे मतलब सोमवार, भोलेनाथ का दिन, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं सीधा घर पर, ठीक है आ गया हूँ मैं, दिख रहा होगा कहाँ गया हूँ। अभी दोपहर के 2:30 बजे हुए और बारिश स्टार्ट हो गई है फिर से, पिछले घंटे में सो रहा था तब भी बारिश हुई है और अब फिर से हो गई है कुछ कुछ बारिश, एक हिस्से पर फोग इकट्ठा हो गया है, खड़ी हुई है भाई अपनी काली बिल्ली, क्या लग रही है, इसका बस करा देंगे एक दो दिन में इंतज़ाम,
क्योंकि अभी निकलना है एक छोटी सी राइड पर, और फिर से बारिश आती हुई मेरे को लगता है बाहर जाना पड़ेगा। ये बारिश यहाँ से लेके पूरा पानी पानी हो गया है। बारिश आ गई भाई, भागे हो यार, आ गई भाई फिर से बारिश। सही टाइम पर अंदर आ गए, वरना उसके सेंसर वेंसर ये 5,000 रुपये का माइक सब पर पानी फिर जाता। ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं मोतिया। मतलब उसकी जो स्मेल है ना इतनी मस्त होती है ना, मस्त भाई। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूँ ये लोग इतना लेट क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं था बिजी, बहुत ही ज़्यादा बिजी काम में, क्योंकि बरसात हो रही है जैसा कि आप लोगों को मालूम है, और ये है फसल लगने का टाइम। तो आप मेरे पीछे में देख रहे हो ग्रीन 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 ग्रीन, मतलब इसको बोलते हैं गुलदावरी, और इसमें आते हैं येलो कलर के मोटे वाले फूल। और जो ये पीछे वाला पूरा खेत है, ये तो पौधा इसका तो दूसरी जगह से हमने कर दिया है। एंड इसकी यहाँ पर है ना, मतलब जो ये गुलदावरी है इसमें तो पीले फूल आते हैं, और जो यहाँ पर दूसरे वाले लगाऊंगा मैं पौधे उसमें आएंगे वाइट फूल। तो ये थोड़ा सा और बचा है, मतलब 70% अपना काम निमट चुका है, और 30% बचा है उसको भी धीरे धीरे करके निपटा देंगे। बाकी अब लोग इतना लेट नहीं आएंगे, अब तो मैं जहाँ तक कंटिन्यू ब्लॉग करूँगा दूसरे या तीसरे दिन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, बट ये ब्लॉग शायद 6-7 दिन बाद आ रहा है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अरे ये क्या हुआ भाई, मैंने सोचा घर पर यार मन नहीं लग रहा है, सब घर वाले सोए हुए हैं तो अकेला क्या करूं, तो घूम आते हैं भाई, बाइक बैठ रही नीचे। तो आज अच्छी खासी बारिश हुई है, मैंने सोचा पानी भरा हुआ होगा, आप लोगों को भी दिखा दूंगा। पर यहाँ पर तो भाई देखिए, मतलब जो 2-3 पहले लोग पहले आप लोगों ने देखा था वही जगह है, मैं यहाँ पर शूट कर रहा था, पूरा पानी भरा हुआ था। मैं सोचा यार पानी होगा, बट यहाँ तो ख़त्म हो गया पूरा पानी। ज़मीन है ना, काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, तो ये पहली बारिश थी, तो इस वजह से पूरा पानी सोख लिया ज़मीन ने। और क्या लग रही है ना बाइक यार, देखिए, और इस बैग का टेस्टिंग भी हो जाएगा। मैं बाइक उठाकर आ गया सीधा यहाँ पर, और थोड़ा चिल करेंगे, बैठेंगे यहाँ पे। भाई क्या मस्त व्यू है, देखिए आप, देखिए तो सरा, मतलब एक नंबर, तेरा भी नंबर आएगा, पूरा मिट्टी में सड़ गई है। मैंने सोचा धुलाने को तो देना ही है, और सर्विस वगैरह पूरे कंप्लीट काम कराएंगे इसका, तो क्यों ना एक ऑफ रोडिंग छोटी सी कर ली जाए इसके साथ में, तो इसलिए मैं ले आया हूँ। और मोटो व्लॉगिंग मैंने की नहीं है, क्योंकि भाई हेलमेट लाने का थोड़ा सा आलस हो गया, और मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, और पीछे वहाँ पर मतलब अराउंड 1 किलोमीटर होगा बस घर में यहाँ से। सो गाइस, मेरे को इतना अच्छा व्लॉग नहीं था मेरे को मालूम है, बट क्या करें, डालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है, अगर यूट्यूब पर काम नहीं करेंगे तो अपने चैनल की ग्रो जो है कम हो जाएगी। तो गाइस आज के व्लॉग के यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू होल। और इसके बाद इतना वेट नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि मैं शायद इस व्लॉग के बाद में 2 या 3 दिन के अंदर में तो व्लॉग डाल दिया करूंगा, क्योंकि भाई मेरा काम है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और बरसात आती है तो हमारे लिए एक वरदान साबित होती है, और कभी कभी अभिशाप भी हो जाती है बरसात। और साइड से आवाज़ आ रही होगी, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि वहाँ से चल रही है सड़क। सो अभी अपनी रानी को भी रेडी कराते हैं, और फिर आप लोगों के लिए व्लॉग मस्त लेकर आएंगे, क्योंकि मेरा प्लान तो है कहीं ना कहीं जाने का, अगर ये ऊपर वाला थोड़ा सा रहम कर देगा तो और अच्छा होगा, क्योंकि रास्ते में अगर बारिश वारिश आ गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो लव यू ऑल।